वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर हम लोग इंसुलेशन का यूज क्यों नहीं करते, और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर रश क्यों नहीं लगता है, जंग क्यों नहीं लगता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। फ्रेंड्स जनरेशन से लेकर सब स्टेशन या ग्रिड सब स्टेशन तक के जो भी करंट को फ्लो करने का जो अरेंजमेंट होता है वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है, जिसमें 132 केवी, 220 केवी या 440 केवी तक के वोल्टेज को फ्लो कराया जाता है। फ्रेंड्स इतने ह्यूज अमाउंट वोल्टेज को फ्लो होने के कारण आपको ये पता है फ्रेंड्स इंसुलेशन जो होता है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन की उसकी थिकनेस भी होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स उसके कारण क्या होता है, उसका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो दूरी होती है एक या 10 किलोमीटर तक की दूरी नहीं होती है, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है हजारों हजारों किलोमीटर लंबी दूरी को तय करती है। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, पर कंडक्टर पर अगर हम लोग वोल्टेज के अकॉर्डिंग, यानी कि आप देख पा रहे 440 किलो वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमको अगर कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के लेयर चढ़ानी भी होगी तो हमें बहुत हैवी लेयर को वहाँ पर यूज में लाना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, ओवरऑल वहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पर इंसुलेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में हम लोग इंसुलेशन यूज़ नहीं करते, उसका सेकंड रीज़न ये है कि फ्रेंड्स अगर ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर ऊपर हम लोग इंसुलेशन को यूज़ में लाएंगे, यानी 440 केवी के मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन है और वहाँ पर एक कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन का लेयर चढ़ाकर या फिर इंसुलेटेड केबल हम लोग या फिर वायर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, तो होता क्या है फ्रेंड्स उसका जो है ओवरऑल वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा वहाँ पर जो टावर यूज हो रहा है इंसुलेशन लाइन को कैरी करने के लिए, वो जो टावर है वो टावर के ऊपर जो ऑलरेडी कंडक्टर का वेट रहता है, अगर आप फिर से इस पर इंसुलेशन का भी वेट डाल दोगे तो ओवरऑल उसका वेट बढ़ जाएगा। और उसके ओवरऑल वेट को सस्टेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए फ्रेंड्स क्या होगा कि हमें जो यूज़ हो रहे हैं टावर हैं उसमें और मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सेकेंड भी अगेन यही रीज़न होता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन का यूज़ नहीं करते हैं ओवरऑल कॉस्ट बनने के कारण। फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं देने का एक और रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये जो टावर होते हैं काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण क्या होता है कि इस पर जो लगने वाले जो कंडक्टर होते हैं जो टावर को बेयर करके ले जाने होते हैं, तो वो टावर के ऊपर जो कंडक्टर लगे होते हैं वो भी काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स ये आम आदमी के पहुँच से बहुत ऊँचे होते हैं, जिसके कारण किसी को भी शॉक फील नहीं होगा, इस कारण से हमें यहाँ पर जरूरत महसूस नहीं होती है कि हमें इंसुलेटेड केबल को यूज में लाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं देने का एक और रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो काफ़ी ऊंचाई पर होती है, और उसके साथ साथ उसमें जो यूज़ हो रहा है कंडक्टर वो भी काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि ये कई 1000 वोल्ट को कैरी करके चलती है ये कंडक्टर, जिसके कारण वो हीट हो जाती है, तो ये हीट को बाहर डंप कर सके, इसलिए हमें वहाँ पर इंसुलेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स अगर वहाँ पर इंसुलेट कर दिया जाए कंडक्टर को तो वो प्रॉपरली वो अपने हीट को बाहर डंप नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वो कंडक्टर जो है गर्म हो जाएगा। कंडक्टर गर्म होने के कारण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पता है फ्रेंड्स मेटल को अगर गर्म किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपको जो रिसीविंग एंड पर वहाँ पर कम वोल्टेज मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल वोल्टेज के। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स, ऊंचाई पर होने पर ज़्यादा अच्छा हवा चलती है और वहाँ पर अच्छे से नेचुरल कूलिंग हो पाती है, इसलिए हम वहाँ पर इंसुलेशन का यूज़ नहीं करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर के ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगता है, इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो SCSR का बना होता है, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स की बनी होती है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें स्टील को यूज़ किया जाता है, जो एक ही वायर स्टील का रहेगा, बाकी उसके चारों ओर जो रहते हैं एल्युमिनियम की होती है, और वो अच्छे ग्रेड की एल्युमिनियम होती है। इस पर कभी भी धूप का, बारिश का और इस तरह के नेचुरल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण सालों सालों तक बनी रहती है। फ्रेंड्स वहाँ पर स्टील का रोल ये होता है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि वो स्टील काफ़ी मजबूत होती है एल्युमिनियम कंपेयर में, और एल्युमिनियम जो होती है फ्रेंड्स क्योंकि वो लो कॉस्ट होती है, इससे पहले CCSR प्रोड्यूस करते हैं कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स को यूज़ करते थे, कॉपर की चूंकि थोड़ा महंगा पड़ जाता है एल्युमिनियम कंपेयर में, इसलिए हम आप एल्युमिनियम का ही यूज़ करते हैं SCSR को। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको पाने हैं तो हमारे चैनल लिस्ट में जा करके और हमारे वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।